सही। अच्छा देखो, अब पहला अब तक का जो फेज था क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट, देखो बेटा ये सिंपल क्वेश्चंस, यानी सिंपल क्वेश्चंस का मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ हो ये रहा है कि आपको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, थोड़ी बहुत आगे पीछे करने के बाद वो आप उस फॉर्मेट के तहत क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं क्यों आप लोगों से कह रहा था करने के लिए, क्योंकि जब तक फॉर्मेट याद नहीं होगा ना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ठीक है। चले खैर, आज मैं अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, मगर मेरा आपसे यही है, जब वीडियो लेक्चर मौजूद है आपके पास, इस 3 दिन में जो हमारा मेरा नहीं क्लास होगी, आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश होगी भाई जरा सुकून से बैठकर शुरू से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिएगा। मैंने नीचे आपके एयर भी लिख दिए, उन एयर्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके अलावा भी किसी एयर पे मत जाइएगा, वरना उन सब एयर पे कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी जो अभी आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको कंप्लीट करते जाएंगे, लेकिन पहला स्टेप यही होगा कि आपने कंप्लीट करना है पहले चैप्टर से, पहले सवाल से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो 1 से लेकर 5 तक जो चीज मेन सिखाई गई है वो सिखाई गई है स्टेटमेंट बनाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कब, इनकम स्टेटमेंट बनाना और क्लोजिंग इन्वेंटरी बनाना, ये 3 चीजें आपको सिखाई गई। अब उसमें ये हो सकता है कि एक डाटा ज्यादा हो, एक में डाटा कम हो, एक में छोटी सी कोई कैलकुलेशन हो, जैसे कल देखा कि इन्वेंटरी बिगिनिंग दी हुई थी, एंडिंग थोड़ी सी कैलकुलेट करके निकाल दी हुई थी। देखो हमेशा बीकॉम में ना डाटा जो होता है वो 3 किस्म का होता है, एक वो डाटा जो गिवन होता है जो बिल्कुल क्लियर कट गिवन होता है, दूसरा डाटा जो होता है वो हिडन होता है। हिडन का मतलब या तो उसको छुपा देते हैं या एक से दूसरे में बेस करता हुआ डाटा होता है, ठीक है। और तीसरा वो होता है डाटा जो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, जो तुमने सॉल्व करना, तो रिक्वायर्ड डाटा उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक गिवन और हिडन दोनों को तुम हासिल न करो। सवाल करना मुश्किल कुछ नहीं, बहुत आसान है, मगर सबसे मुश्किल काम यही होता है कि डेटा को कंपाइल करके जो गिवन है वो और जो हिडन है वो दोनों को पहले ले आओ, जब वो ले आओगे तो फिर बड़े आराम से सारे स्टेटमेंट्स क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। अब आज की बात सुनो, कल तक हमने ये भरपूर किस्म का, यानी आप सब लोगों ने चाहे 4 हो क्वेश्चन या 5 हो, आप तमाम लोगों ने इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें, सही नजर आ रहा है वहां देखे बताओ वीडियो। अब इस तमाम क्वेश्चन में अगर तुम नोट करो तो तुमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक से एक सेगमेंट यूज करके बनाया, ठीक है ना, सही। अब इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन सारी चीजें आपके नॉलेज में है कि हाँ ठीक है, ओपनिंग होगा, ओपनिंग में परचेजेस एड कर देंगे, सब परचेजेस डायरेक्ट से एड हो रहा है कि ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना इंश्योरेंस इन ट्रांसिट है, ना रिटर्न है, ना डिस्काउंट है, डायरेक्ट एड हो गया, आ गया, ये सारी फिगर आपके पास। अगर ये चीजें होंगी, रिटर्न हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो हम जानते हैं कि पहले परचेजेस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस होगा, फिर इधर आएगा, फिर टोटल इधर पड़ेगा। अब यहां पर सबसे पहला सवाल शुरू होता है मिसिंग फिगर का, यानी आपको जो चीजें पहले गिवन हुआ करती थी वो चीजें क्या होना शुरू हो जाएंगी, मिसिंग होने शुरू, सही है। पिछले सवाल में 90% डाटा गिवन होता था, कोई 10% डाटा आगे पीछे करते थे, यानी अगर लेबर बता दिया तो एफओएच के बता, एफओएच बता दिया तो लेबर भी बताया, उसको आप थोड़ा सा रेट की मदद से आगे कैलकुलेट या बैकवर्ड कैलकुलेट करके निकाल लेते, ठीक है ना। अब यहां पर वो चीजें जो तुम पिछले सवालात के रिक्वायर्ड में निकालते थे वो तुम्हें वो देंगे। मस्तर एक सवाल ऐसा आएगा कि जो मैं जा रहा हूं उसमें रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड की एंडिंग नहीं दी जाएगी। हालांकि पिछले तमाम सवाल में क्या होता था, बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री की गिवन होती थी, इसी बिगनिंग को प्लस और एंडिंग को माइनस करके तुम निकाला करते थे, डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालते थे ना, क्यों, बिगनिंग भी है और एंडिंग भी है। क्या होगा सवाल में,
एंडिंग नहीं देंगे, लेकिन एंडिंग ना देकर वो आपको डायरेक्ट मटेरियल यूज दे देंगे। तो क्या एंडिंग निकाला जा सकता है? यस। यानी बिगनिंग देंगे, परचेजेस देंगे, और एंडिंग ना देकर क्या दे देंगे? यूज दे देंगे। तो अगर थोड़ा समय इसको बड़ा कर सकता है शायद, अगर कैमरे में नहीं गया तो पहले जो आपको दिमाग में आ जानी चाहिए बात, वो क्या आ जानी चाहिए कि अच्छा यानी सर आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी तरह सवाल कर रहा हूं कि बिगनिंग होगा, परचेजेस होगा, अवेलेबल पे आ जाएंगे, ये फिगर नहीं मौजूद है। क्या मौजूद होगी? कंज्यूम। क्या ख्याल है? कंज्यूम और इसको माइनस कर देंगे तो ये फिगर निकल आएगी या निकल आएगी? तो पहला ये है सारा सा क्या रिवर्स जाके करके आपने कहा। अब ये होगा क्या कि ये पूरा स्टेटमेंट टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा ताकि हम निकाल लें। इसी तरह आप जरा ये नोट करो, कंज्यूम लेबर यूज फैक्ट्री ओवरहेड तीनों मिला के क्या था, और फिर क्या प्लस हो रहा था, क्या आ रहा था उसमें से, क्या लेस हो रहा था, क्या चीज आ रही थी, हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ना, और सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर दे दे क्लोजिंग ना, किसकी क्लोजिंग, वर्किंग प्रोसेस। फिर वही वाली बात है, क्या करेंगे तीनों को प्लस करके यहां पे आएंगे, बिगनिंग प्लस करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, और उसमें से सीजीएम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएंगे आपका, क्या चीज आ जाएगी, वर्किंग प्रोसेस की। आई बात समझ में? यानी सिर्फ एक इस स्टेटमेंट का जो रट्टा था हमारा, उसमें एक लाइन स्वैप हो जाएगी, लास्ट वाली लाइन ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली लाइन नीचे चली जाएगी, स्वैप समझते हो ना, एक उसका दर्द हो जाएगी। क्या अलग से अलग से ही दिखाओगे, लेकिन मैं अभी लॉजिक बता रहा हूँ कि ये वाला सवाल नहीं है, सवाल अभी आगे जा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि तुम कर रहे हो, इसी को बनाना है। इसी तरह यहाँ पहुंचे, सीजीएम में क्या ऐड किया, फिनिश गुड की ओपनिंग ऐड की, क्या चीज आ गया, फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया, तो क्या करें, अवेलेबल फॉर सेल से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दें, लेकिन थोड़ा सा और मुश्किल कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं देंगे जी सर, सेल दे देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दे देंगे। तो सोचो कि सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, तो सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, नहीं होता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट नहीं दिया, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें क्या होती हैं डायरेक्ट गिवन होती है, कुछ चीजें क्या होती हैं रिटेन होती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं था, क्या था, रिटेन था, सेल और किसकी मदद से, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये एक बहुत सारा सा क्वेश्चन और आता है, और अब यही फेज में हम इंटर हो रहे हैं। हमारा फेज क्या है कि क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, क्या होगा क्वेश्चन में, अब मिसिंग फिगर्स को ढूंढना है हमें, और उस मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन ढूंढने में सबसे पहला मिसिंग फिगर्स में तीन चीजों की मिसिंग देखोगे, इन्वेंटरी कभी रॉ मटेरियल गायब, कभी वर्किंग प्रोसेस गायब, और कभी फिनिश को। हम कैसे निकालेंगे, हर चीज को मैंने बांट दिया है, इसमें सिंपल क्लोजिंग निकालना है, सिंपल, और इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन बहुत बड़ी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ जगह तब्दील करके क्या कर लेना है, निकाल लेना है, उसके बाद फिर आगे जाके एक और सवाल। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स को अगर आप तवज्जो से देखिए, सवाल ये मौजूद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब जहन में जरा बात आ जाइए, रॉ मटेरियल की ओपनिंग है, रॉ मटेरियल की वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग है, फिनिश गुड की ओपनिंग है, बोलो तीनों की नजर आ रही है, उसके नीचे फिर क्या ले दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई नहीं बात, रिटर्न और रिटर्न टू सप्लायर, परचेज रिटर्न हो गया, उसके नीचे डायरेक्ट लेबर यूज, फिर उसके नीचे क्या ले दिया, क्या है ये अपना लंबी चेनाई ली थी, है क्या ये चीज, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ट्रांसफर टू वेयर हाउस, क्या है ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, फिनिश गुड ट्रांसफर टू वेयरहाउस, क्या होता है जहां पर कोई चीज स्टोर की जाती है तैयार होने के बाद, तो फिनिश गुड तैयार हुआ, फिनिश गुड जो तैयार हुआ वो क्या है, वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उनकी कॉस्ट ट्रांसफर उनको ट्रांसफर कर दी, ये जो फिगर लिखी है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, पहले है सके क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स, अगर यही लिखा होता कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रांसफर टू फिनिश गुड या वेयर हाउस, कोई मसला नहीं, उन्होंने घुमाया है, तो बेसिकली 119,000 क्या है,
सीजीएम है जो तुम पहले निकाला करते थे, तो जैसे तुम्हें नजर आया कि अच्छा सीजीएम दे दिया है, तो तुम्हारा माइंड बन जाना चाहिए इसका मतलब है सवाल जो है वो कुछ रिवर्स कैलकुलेशन की तरफ था। उसके नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टोर टू, ये क्या है जी, ये है डायरेक्ट मटेरियल यूज। क्या लिखा हुआ है, अभी तो वेयरहाउस पढ़ा ना, स्टोर क्या होगा, स्टोर वो जगह जहां पर प्रोडक्शन के लिए माल को पहले लाकर रखा जाएगा, जहां रॉ मटेरियल रखी हुई, तो स्टोर से रॉ मटेरियल फैक्ट्री में भेजा जाएगा तो वो क्या है, मटेरियल जो यूज हो रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू स्टोर टू फैक्ट्री, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल यूज। तो ये लफ्ज मैंने खास के तब्दील करके एक सवाल बना दिया, वरना शायद आपके पास फाइनल क्वेश्चन में ज्यादा लिखा था, लेकिन मैंने ये लफ्ज डाल दिए ताकि ये लफ्ज भी अगर कभी आ जाए तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल ना हो। तो ये दोनों लफ्ज जो अभी आ रहे हैं ये कोई नए लाइन नहीं है, मगर ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, और ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल यूज, दोनों से आप वाकिफ है। फिर है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तमाम को मिला के जिसको हम सादा लफ्जों में क्या कहते थे, फैक्ट्री ओवरहेड, उन सबको कह दिया क्या, इनडायरेक्ट, कभी फैक्ट्री ओवरहेड बोलेगा, कभी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलेगा, कभी ये लिख देगा, क्या लिख देगा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये पॉइंट सब चीज आपके लिए कोई भी नहीं है। फिर क्या दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, पता ही है सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखा होता तो मालूम होता है कि सेल्स ही आया, और फिर क्या है सेल्स। अब पहला एक पॉइंट पढ़िए, क्या मांगा, डिटरमाइन द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस और इन तीनों की इन्वेंटरी क्या है। बोलिए सवाल वही बन गया जो मैंने आपसे कहा, यानी क्या, अगर आप राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा मूव करें तो सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं, देखिए क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले क्या लिखा गया, रॉ मटेरियल की ओपनिंग, क्या ऐड किया, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे क्योंकि सवाल में क्या मौजूद था, रिटर्न मौजूद था, हो सकता है भाई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो तो उस हिसाब से मोड करके यहाँ पहुंच गए, कहां पहुंच गए, नेट परचेजेस बिगनिंग में ऐड किया, क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर, लेकिन आप देखो ग्रोसरी नहीं था ना तो क्या माइनस किया, रॉ मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री, या दूसरे लफ्जों में क्या, डायरेक्ट मटेरियल। बोलिए क्या चीज आ गई आपके पास, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ एनरिच, ये अलग कंपटीशन हो गई, पूरा अब नहीं बन रहा है, सिर्फ मेन है क्या, कंपटीशन फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एक पार्ट हो गया, तुड़ गया वही स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, क्या चीज दी हुई थी, अब वर्क क्या निकालना चाहते हैं, वर्किंग प्रोसेस की क्लोजिंग ऊपर हेड निकाल दी, तो इसका मतलब है ये रॉ मटेरियल क्लोजिंग के लिए और ये वर्किंग प्रोसेस की क्लोजिंग के लिए। वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग मौजूद थी 13,100, कौन सी तीन चीजें ऐड होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एम्पोरेशन, डायरेक्ट मटेरियल वही जो ऊपर वाला था 48,100 आ गया, डायरेक्ट लेबर सवाल में गिवन था, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड गिवन था, तीनों को प्लस किया क्या चीज आ गई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग में प्लस किया क्या आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ, क्या लेस किया, क्लोजिंग नहीं थी, क्लोजिंग लेस कर दी, क्लोजिंग नहीं थी तो क्या लेस कर दिया, सीजीएम, ये लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ट्रांसफर टू वेयर हाउस और सीजीएम, लेस कर दिया, क्या चीज आ गई, क्लियर, लास्ट फिनिश गुड की ओपनिंग लिखा, क्या प्लस करते थे, सीजीएम, सीजीएम प्लस किया, क्या आ गया, फिनिश गुड अवेलेबल फॉर, क्या लेस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नहीं था तो कैसे निकाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए नीचे लिखा दिया आपको, क्या माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स क्या है, ये है, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस के लिए आ जाएगा। ये सिंपल सा काम आप पहला कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, इजी है, लेकिन ये अभी एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। अब सिर्फ समझ लीजिए क्या मांगा, प्रिपेयर कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ, कंडेंस का मतलब क्या हो गया, छोटा सा बना, हमको छोटा बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सारी चीजें सारी कंडेंस मैंने क्या किया, देखिए अगर कंडेंस बनाना होगा तो आपको पेपर में बनाने के लिए क्या बनाएंगे, सिंपल ये बनाएंगे,
कहां से शुरू करेंगे? वर्क इन प्रोसेस को डायरेक्ट मटेरियल यू निकाल के दिया हुआ था, लेबर निकाल के दिया हुआ था, फैक्ट्री ओवर दिया था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से माइनस किया, सीजीएम सीजीएम ओपनिंग एट एरिया में सीधा काम करके निकाल दिया। यदि सवाल के रिक्वायरमेंट में कोई सेंस बनती नहीं है, पूछा है सवाल बाहर के सारा सवाल, और फिर क्लोजिंग एंट्री मेरा ख्याल बना के देने में व्यवस्था तो नहीं है, मगर क्लोजिंग एंट्री के लिए एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने आपको कल भी कहा था, क्या लिखा हुआ? क्लोजिंग एंट्री बनाइए क्लोज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ कौन सा, और आखिर में सिर्फ क्लोजिंग कर दीजिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को किसके अगेंस्ट। यानी आपने पांच एंट्री बनाई थी ना कल, आज पांच बनाने नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कह रहा तीन बना, कैसे तीन बना तो लीजिए। देखो पहले सारे ओपनिंग वाले क्लोज किए, दूसरे में क्लोजिंग वाले क्लोज किए, इन दोनों के डिफरेंस को, यानी सेल्स को और एक्सपेंस को क्लोज करने की जरूरत नहीं, ये वही बैलेंस होगा 1,20,000 जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का बैलेंस था, ठीक है। लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब सवाल के रिक्वायर्ड में कह दे कि सारी क्लोजिंग एंट्री मत बनाओ, दो बनाओ और आखिरी एंट्री बनाओ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे ख्वाहिश है कि मैं अभी आगे ले जाता हूं, लेकिन प्लीज जरा ये वाला सवाल निकालिए 2013 प्राइवेट अटेम्प्ट, 2013 प्राइवेट करिए, 13 प्राइवेट, 2013 प्राइवेट, इसको मैं पॉज कर रहा हूं, फिर सही है ला एक दो या मुझे देखो आप कौन सा 2000 आ रहा नजर आ रहा कोर्ट में, सही ब्लर तो नहीं आ रहा है स्क्रीन, 2013 पूरा बोर्ड आ रहा है, शायद 16 कट रहा है बस, नहीं सही 2013 क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, सही है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है उसको पहले अपने दिमाग में देखा। गुड्स इन प्रोसेस किसे कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग दी हुई, अभी जो सवाल था उसमें एंडिंग नहीं थी लेकिन एंडिंग दी हुई थी, ओके। फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज दिया हुआ, डायरेक्ट मटेरियल यूज गिवन, डायरेक्ट लेबर के आगे क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, लेकिन नीचे क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ, जिसके आगे ब्रैकेट में लिखा है कि 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये फैक्ट्री ओवरहेड खुद जो है वो डायरेक्ट लेबर का 250% है, यानी डायरेक्ट लेबर अगर 100 रुपए है तो फैक्ट्री ओवरहेड 250 रुपए, अरे इसमें कैलकुलेशन के बगैर भी निकाल सकते हो, देखो फैक्ट्री ओवरहेड 2,50,000 है तो इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर 1,00,000, समझ में आई बात? अब ये है जरा सा खेलना इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे क्या बता दिया? आगे बता दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ा आपने, क्या मांगा है सवाल के रिक्वायर्ड में? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग, बजाय इसलिए कि मेरे सवाल में एंडिंग मांग रहा था, इस दफा क्या मांग लिया? बिगनिंग मांग लिया। अब आपको पहले तो यार नॉर्मल फॉर्मेट याद है आपको क्या था? बिगनिंग पहले लिखते थे, बिगनिंग में तीनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस करते थे, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आता था, फिर आपके माइनस करते थे क्लोजिंग तो क्या आ जाता? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर इसको करना है तो इसका प्रॉपर तरीका ये है, पहले आपने आप उल्टा चाहिए, यानी क्या मतलब? लिखिए कंपटीशन फॉर वर्क इन प्रोसेस, क्या लिखा आपने? ओके, लाजमी सी बात है, अगर मैं सीधा लिखता तो शुरू वाली चीज तो नहीं है मेरे पास, तो मुझे चलना ही पड़ेगा उल्टा, तो उल्टे में मैं सबसे पहले लिखता हूं कौन सी चीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। कितना दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर? 6,02,000, 6,02,000। अब आ जाइए बिगनिंग में, ये क्या मौजूद है? अच्छा एक काम मैं आपको यूज करता हूं, अगर सीधा तरीके से लिखें तो ये लिखते पहले वर्क इन प्रोसेस को ओपनिंग जो मौजूद नहीं, इसमें प्लस क्या करते? डायरेक्ट मटेरियल यूज, प्लस करते डायरेक्ट लेबर यूज,
प्लस करते एफ ओ एच। डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना दिया हुआ है 260,000। एफ ओ एच कितना दिया हुआ है 250,000। हमें एफ ओ एच बनने के बाद हमें बता दिया मैंने अभी, थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकालना दिखा देंगे अभी वहां पर कितना टोटल कितना हो जाएगा। ये कह रहा है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना 6,10,000। ठीक है, बिगनिंग में 6,10,000 को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, क्या आएगा डब्बा, क्योंकि डब्बा जिससे भी प्लस होगा वो डब्बा ही जाएगा, ये पता नहीं आएगा। इसको नाम क्या देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, इसमें से माइनस करते थे वर्क इन प्रोसेस की क्या चीज एंडिंग, कितनी एंडिंग 50,000। क्या चीज आ जाती थी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स, यह हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 6,02,000। अब बताओ डब्बे सॉल्व हो सकते हैं नहीं, जानते हैं आपकी यहां पे जो फिगर थी उससे ये माइनस हुआ होगा तो ये आया होगा, वापस जाते हुए इसको प्लस कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 6, अलग कलर से लिख देता हूं 6,52,000 ये हो गया। फिर जो यहां फिगर थी और ये दोनों प्लस हुआ तो ये आया था, तो इस 6,52,000 से अगर ये माइनस कर दे तो ऊपर वाली फिगर आ जाएगी, क्या फिगर आ जाएगी 42,000। लेकिन आप इस तरह से इम्तिहान में करके दिखाना ज्यादा सूदमंद नहीं होता, करने को आप फिगर कर लेते, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा थोड़ा सा चेंजिंग देख लीजिए कैसे क्या किया करेंगे आप। कॉस्ट ऑफ उल्टा शुरू किया था, जो चीज लास्ट में थी उसको पहले लिख दिया, अब उसने उल्टा जाते हुए वर्किंग कॉस्ट एंडिंग को लेस तो नहीं किया था, ये निकालने के लिए क्या किया था प्लस किया था, हाँ भाई प्लस किया था ना, तो इसके नीचे यू लिख दीजिए प्लस, क्या प्लस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना 50,000, कितना आ गया 6,50,000। क्या है ये, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन, बाद इसको कहते हैं और एक और नाम होता है टोटल कॉस्ट पुट इन प्रोसेस, ठीक है टोटल कॉस्ट डिलीवर्ड टू प्रोडक्शन ये भी कहा जाता है, ये सब नाम अगर आ गए तो परेशान मत होइएगा, सिर्फ नामों का हेर फेर है। अब यहां तक पहुंच गए थे, फिर बिगनिंग निकालने के लिए क्या माइनस किया था टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी चीजों का मजमुआ है 3, तो इसमें से माइनस कर दिया जाए कौन सी चीज डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर यूज और एफओएच 2,60,000, 1,00,000, 2,50,000 जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है 6,10,000 और माइनस होने के बाद आपके पास आ जाती है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और वो है 42,000। दिस इज द वे कुकी क्रंच, यानी इस तरह तो होता है, इस तरह के मामले आपको इस तरह से इसको शो करना है, बोलिए कोई बहुत मुश्किल बात सीखा, तो अब आपको ये लॉजिक ये नॉलेज आ जानी चाहिए कि किसी भी फिगर को बीच से अलाइव करेगा तो इस तरह सॉल्व करेंगे, और अगर देखा जाए यही सवाल था और इसी सवाल का दूसरा एक पॉइंट किया था प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो बेटा वो जो बनाया है वो बन गया, वो जो उधर बनाया हुआ है वो क्या बनाया हुआ उसके ऊपर खाली हेडिंग डाल दो कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। सोचो जरा सा ये सवाल पेपर में आया था 20 नंबर के लिए, लकी लोग होंगे ना 10 साल पैदा हुए थे, तुम लोग एक होगा पैदा हुए जो पैदा हुआ उस साल पैदा नहीं हुए, 10 साल पेपर दिए थे, अब तुम लोग एक हो गए थोड़ा पैदा हो गया 2013 में पेपर देते थे, तब क्या बात है तुम लोग बड़ी काले नाम पहुंच चुके हो, खैर कोई बात नहीं आप अभी भी लकी होंगे ठीक है इंशाल्लाह बोलते हैं अभी वाले आदमी। चलो अब आगे पिक्चर ले लीजिए यार, इतना छापने में लगे हुए हैं क्योंकि अभी आपसे काम हमें पूरा लेना है, बिल्कुल लेना है, आपको काम तो करते नहीं सोच के आया था कुछ
दूंगा, पता चला उन्हें नहीं है काम किया। ठीक है, अब तो तुम्हें ये समझा रहा, उसके बाद तुम जाके बेशक जाना चाहो चले जाना, आप जो बात करने जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट। चलो आगे चल रहे, कह रहा हूँ जी सर। यस सर, तुम्हारे घर तक जाएगा अंदर की तस्वीरें लेकर आएगा। वापस उतार दू पता। अब इसी सवाल का, अब आपको मैं जो लेके जा रहा हूं वो इसी मिसिंग, आज सारा का सारा खेल इन्हीं मिसिंग फिगर्स के गिरफ्तों में, ठीक है, कि अब मिसिंग किस तरह से है। पहले मिसिंग, क्योंकि जो मिस होती है तो मुश्किल हो जाती है ना। देखिए कौन से मिस है, बाई बैंक के बाद में इसको करेंगे, इसको पहले भी बैग में लगवा दो। अब ये जो क्वेश्चन है, ये एज इट इज क्वेश्चन कई दफा आया है पेपर में, ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप डेटा तलाश करेंगे तो आपको इंतहाई मुख्तसर सा डेटा मिलता है। लेकिन इसमें अच्छी बात अभी फिलहाल ये है, इन्वेंट्री बिगनिंग की भी दी हुई है और इन्वेंट्री एंडिंग की भी दी, बिगनिंग भी गिवन है और एंडिंग भी गिवन है। उसके बाद आपको प्रोवाइड की गई है कुछ अदर इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहली चीज आपको क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। उसके नीचे आपको ओवरहेड दिया हुआ है, ओवरहेड वही फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके बाद बताया कि वो 80% है किसका, डायरेक्ट लेबर का। एंड उसके बाद क्या मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद क्या मौजूद है, रॉ रिटर्न ऑफ मटेरियल। अब अगर ये सवाल मौजूद है तो इसमें करना क्या है, तो बेसिकली अगर आप नोट करें तो ये चीजें फाइंड करनी है 1 से लेकर 9 तक। लेकिन ये चीजें तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये सारी चीजें उसी स्टेटमेंट के अंदर क्या है, मौजूद। तो आपका पहला काम अब क्या है कि सबसे पहले इसी तरह से अपने कॉपीज पर स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट में जो जो चीजें यहां मैंने लिखी है, ठीक है ना, इसी हिसाब से बनाएंगे। लेकिन यह याद रखिएगा कि सवाल के डेटा के हिसाब से थोड़ा सा कभी कभी मोड़ होगा, यानी अगर ट्रांसपोर्टेशन या रिटर्न है तो ठीक है, नहीं है तो, लेकिन अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम बना रहा हूं तो मैं आपको दे रहा हूं, तो इसलिए मैंने देखिए क्या लिखा है ऊपर में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्मेट। यह अब आपको फॉर्मेट लेकिन क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। तो जस्ट पहला काम कीजिए, क्योंकि उसको आप बनाइए फॉर्मेट इसी तरह से अपनी कॉपीज पर, और जहां जहां बॉक्स बने हुए बॉक्स, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ये फिगर जब आप यहां लिखने लगे तो यहां से मत छाप के लिखिए, आप डायरेक्ट यहां से देखिए, क्योंकि मना मैं हटा देता हूं। सही है, इसलिए कि अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो सब रिकॉर्ड जो भाई कैमरे में भी देख रहे होंगे आप इस वक्त, उसको देखेंगे वीडियो को, वो भी यही काम करें, ठीक है सर। वीडियो देखने के दौरान अपनी बुक नोटबुक खोलें और क्वेश्चंस को देखें और उस तरह से फॉर्मेट को छापें ताकि वो अगले बात में साथ साथ चलते रहे। चलिए शाबाश, जल्दी से तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, ये चीज तुम कर लो, ठीक है, जैसा ऐसे पूछेंगे मैं बता दूंगा। चलो जल्दी से शाबाश शुरू करो, वीडियो पॉज कर दे, नहीं वीडियो चलने दीजिए ताकि आवाज आती रहे, ताकि इनको पता चले वो वीडियो वाले ही बनाते हैं।
या चलो ऐसा करो पॉज कर दो और हम फिर पॉज के बाद मिलते हैं और आप लोग। ओके नाउ मैं सॉल्व कर रहा हूं अब इस चीज को, आइए देखिए इसको सोल्यूशन दिखाता हूं आपको। अब तवज्जो दीजिएगा एक बार, सबसे पहला आइटम या सबसे पहली चीज यहां से शुरू की है। मैं भी आपको सोल्यूशन की तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन मैं पहले आपको एक हाइपोथेटिकल लैंड, इसमें कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। हमेशा आपको आप आज के बाद यही समझ लीजिए कि जब भी कभी ऐसा मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट निकालें, ठीक है। अब रिवर्स कैसे चलना है, मेरा ख्याल है ये वाली फिगर सबने निकाली होगी। किस तरह निकाली होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो था उसने फिनिश गुड एंडिंग प्लस कर दीजिए तो ये फिगर आ जाएगी अवेलेबल फॉर सेल। निकाली या नहीं निकाली बोलो बेटा, नहीं आ रहा है हाँ या ना, यस सर निकाला, यस सर नहीं निकाला, सर नहीं निकाल सका मुझे बताओ पक्का। उसके बाद ओपनिंग एक्ट में यहां पे मैन्युफैक्चर कैसे आया होगा, तो मैन्युफैक्चर में ओपनिंग प्लस होता है तो वापस जाते हैं, यानी इसमें से ये करना है कि जो ब्रैकेट लगाया है मैंने उसको रिवर्स जाते हुए क्या करना है प्लस, और जो बगैर ब्रैकेट के है उसको क्या करना है माइनस। सही है मैम। अब यही चीज आई है, अब आपको दिखाता हूं, देखिए मैंने इसको बराबर वाली जगह पे सॉल्व करके रखा है और ये सोल्यूशन उसके सामने रखना, ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है। लेकिन नाउ सोल्यूशन क्या लिखा हुआ, यूजिंग रिवर्स कैलकुलेशन टेक्निक। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है रिवर्स, और चूंकि उसके सवाल में आपको छोटी छोटी कहा है कि आपको कैलकुलेशन करके दिखाएं, तो साथ में मैंने कैलकुलेशन को भी शो कर दिया है, ठीक है। डिपेंड करेगा सवाल के हिसाब से, अब क्या किया, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग को क्या करेंगे प्लस करेंगे, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा उसमें क्लोजिंग को क्या किया प्लस किया, कितना आ गया फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल 12,87,300, ये देखिए 12,87,300 क्लियर। उसके बाद अब मैंने क्या कहा था, ये पॉजिटिव फिगर था तो इसको जाते हुए माइनस करेंगे, क्या निकल आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, देखिए फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल से माइनस कर दिया तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। बोलो कोई प्रॉब्लम बासित पक्का, यानी बेटा सिंपल फॉर्मेट छापो और फॉर्मेट छापने के लिए फॉर्मेट को रट्टा लगाना है, उसके बगैर नहीं हो सकता। पहले दिन से बोल रहा हूं कि फॉर्मेट का रट्टा बहुत जरूरी है, फॉर्मेट का रट्टा लग गया सवाल सॉल्व हो गया, फॉर्मेट का रट्टा नहीं लगा फंसते रह गया। अब वही तमाम चीजें जो मैं वहां बोल रहा हूं समझ लो, यहां मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के ऊपर मौजूद था ये माइनस, तो अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, क्या चीज आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस के बाद इसके ऊपर मौजूद था ओपनिंग जो कि पॉजिटिव फिगर थी, तो इसके ऊपर जाने के लिए उसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्या चीज आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहां तक किया था मेरा, या कर सकते हो या नहीं कर सकते मुझे बताओ, नहीं किया था ठीक है, लेकिन अब मेरी बताने के बाद कर सकते हैं आप, लेकिन बेटा इसको लाजमी करिएगा दोबारा, समझ गए, यानी ये छुपा हुआ छापिएगा मत, अगेन ट्राई कीजिएगा। कोई मुश्किल बात बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूं, नहीं ना तो रॉकेट साइंस डिस्कस होगी नहीं, सिर्फ क्या कहा कि शुरू से फॉर्मेट छापते जाओ, जो प्लस हो रहा है प्लस, जो माइनस हो रहा है माइनस, मैंने प्लस को पॉजिटिव लिखा माइनस को ब्रैकेट में लिखा, उल्टा चलते हुए उल्टा कर देना, जो माइनस होता है वो प्लस, जो प्लस हो रहा है वो माइनस, फिगर निकल चली जाएगी। तो कहा था तो आगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जरा सा अगर तुम नोट करो, मैं दोबारा जरा उस पर जा रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर जो फिगर थी अगर इस डब्बे पे जाओ तो सिर्फ एक फिगर अवेलेबल थी, कौन सी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो निकाली हमने यहां पे उस पर सिर्फ एक फिगर अवेलेबल थी, कौन सी, फैक्ट्री ओवर हेड, ठीक है। तो यहां पे भी ना मेरे ख्याल मुझे बॉक्स बना देना चाहिए, शायद ये बॉक्स रह गया, लेकिन ये सब भी क्या है जो खाली है ना जगह, ये भी क्या है बॉक्सेस है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहां आ गई आपके पास जो कि 12,07,350 है, उसमें ये तीनों प्लस होते हैं तो ये वाली फिगर आई होगी,
मगर इसमें से क्या मौजूद है, सिर्फ एक फिगर मौजूद है। अगर एक फिगर मौजूद है तो हम दो दो नहीं डाल सकते, तो कोई ना कोई तो रेट दिया था। देखिए पीछे सवाल के ऊपर जाइए आप, क्या दिया हुआ था, लिखा था कि 80%। यानी यहां पर लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बड़े तवज्जो से, ये है ओवरहेड 80%। ये फिगर क्या है, ये ओवरहेड है या डायरेक्ट लेबर है? ओवरहेड। कैसे पता चला, कैसे पहचाना कि ओवरहेड है? क्योंकि उसने पहले लव लिखा है ओवरहेड। कभी ऐसा भी हो सकता है वो पहले लिखते डायरेक्ट लेबर, इसी के बाद ये मैंने क्वेश्चन रखा है 10A, इसी के बराबर में है 10B, उसमें मैंने 10B भी यही चीज के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया है, लेकिन उसमें देखो मैंने चेंज कर दिया। अब क्या लिखा, डायरेक्ट लेबर। तो यहां पर आने वाली फिगर अब क्या है, डायरेक्ट लेबर थी, जो कि उसका है 80% FOH, जबकि वहां FOH दिया हुआ है। क्या निकालना है, डायरेक्ट लेबर। इसमें थोड़ा सा बेटा रेट को संभालना, समझ गए, यानी कब रेट सीधा अप्लाई होगा और कब रेट रिवर्स अप्लाई होगा। रट्टा ये लगाने की अगर बात करते हो तो हमेशा ध्यान में रख लो फॉर्मूले में, अभी आगे देखो, ऊपर FOH होता है और नीचे लेबर होती है, तो अगर लेबर से FOH निकालोगे तो हमेशा सीधा रेट अप्लाई करना जो दिया हो। लेबर से क्या निकालोगे, FOH, तो हमेशा सीधा रेट। सीधा रेट का मतलब अगर वो कहता है 80% तो 80/100, अगर वो कहता है 90% तो 90/100, अगर वो कहता है 120% तो 120/100 हमेशा नीचे रहेगा। कब, अगर लेबर से क्या निकालोगे, लेकिन अगर FOH से निकालोगे क्या, लेबर, तो रेट हमेशा रिवर्स। यानी अगर 80% है तो 100/80, अगर 90% है तो 100/90, अगर पिछले सवाल की तरह 50% है तो जो मैंने कहा तो 100/250। क्लियर? तो ये हमेशा मायने बैठा है, क्योंकि सोचने में टाइम जाया होगा, टाइम जाया होगा, पेपर में सवाल रहेगा, तो माइंड टेंशन। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये 80% है और ये क्या है, ओवरहेड है, तो ओवरहेड से निकालना है क्या, डायरेक्ट लेबर, तो रेट उल्टा अप्लाई होगा। तो इस वक्त इस 2,67,600 लिखो कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो 80 से, देखो क्या तुम्हारे पास इसकी फिगर यही आ रही है, 3,24,500। चेक करो, यही किया मैंने, 2,67,600 लिखो 100/80 क्या आ गया, ये 3,24,500 यहाँ लिख दिया। अब सोचो मेरे पास पहले इसके माइनस करने से एक फिगर थी, अब दो हो गई, तो अब इसने क्या किया, ये टोटल से लेबर और FOH दोनों का टोटल माइनस करके निकाल लिया डायरेक्ट मटेरियल। यही वाला पॉइंट आप फंसी गई होंगी, इसमें आपसे नहीं होगा, दोबारा इधर से देख लीजिए क्या चीज किया मैंने, मैंने क्या किया, ये फिगर मुझे पता थी, इस FOH की मदद से क्या निकाल लिया, लेबर, मुझे पता है 1, 2, 3 फिगर मिल गई है, बनती है, तो इस टोटल फिगर में से 1, 2 माइनस कर दूंगा तो तीसरे फिगर निकल आएगी। और यही काम मैंने यहां पे किया है, अगर आप में से किसी ने कोई आगे पीछे कर दिया है तो समझ लीजिए कि लिखिए हुआ है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल। अब ये अगर टोटल करके ना माइनस करो इन दोनों पे, आप ब्रैकेट में लिख के डायरेक्ट माइनस कर दो तभी बात सही है। चलो आगे, ये सब समझ में आ रहा है हमसा साहब? अब उसके बाद जब यहां पहुंच गए फिर वही वाली बात, ये नेगेटिव था ऊपर जाते हुए प्लस हो गए, फिगर आ गए, फिर ये हाँ ये वाली फिगर नहीं थी, ये वाली शायद फिगर थी मौजूद, इसका और इसका माइनस कर दी, ये निकाल लिया। उसके बाद यहां से ये माइनस हो गया तो उसको ये प्लस कर, अब ये समझ लो यू जाने के बजाय थोड़ा सा यू चला जाएगा, यहां पर ये फिगर तो शायद गिवन थी मेरा ख्याल है, ये गिवन थी, यहां से यू चले जाओ कि यहां से ये माइनस होके आ रहा था इसको यू प्लस कर दिए निकाल दो, फिर ये प्लस होके आ रहा था इसको माइनस करके, तो 5,90,700 असल में वो फिगर है जो किसकी है, रॉ मटेरियल परचेज की है। ठीक है, तो मैंने यहां पर इस जगह पर वो सारे के सारे आइटम जो हम ये रिवर्स टेक्निक के तहत सॉल्व कर रहे हैं उसको सीधा सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि मैंने इस सवाल के अंदर रिक्वायर्ड में आपसे ये कहा था कि ये देखिए ये 9 आइटम को आप सॉल्व करके दिखाइए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा,
इम्तिहान में इन सबको सॉल्व करके मत दिखाइएगा। अगर वो सवाल में चार या पांच को सॉल्व करने का है तो तीन चार की कमी से दिखाइएगा, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। आपका सवाल 99% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह कीजिएगा, पिछले सवाल में मैंने जो रिवर्स दिखाया वो दिखाया, लेकिन इस तरह के बड़े सवाल में आप बाकायदा उसको इस तरह दिखाने की जरूरत नहीं है। अंटिल अनलेस के स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड में कहे कि जी ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, तो दिखाओ, वरना डायरेक्ट ये बिल्कुल इसी तरह रिवर्स जैसे मैंने डब्बा बनाया, इस डब्बे में क्या करते जाइए, भरते जाइए, बेस्ट क्यों कहते उस तरह करते जाइए तो। लेकिन मैंने नौ क्यों रखे, मैंने बोला जो जो पूछ सकता है सब करके दिखा दिए, ताकि तुम लोगों को सब मिल जाए कि किसको कैसे शो करना है। इसलिए वरना पेपर में पास पेपर में आए तो चार से पांच कंपटीशन शो करने को, ज्यादा शो करने को नहीं कहा। क्या ख्याल कर लेंगे डायरेक्ट पेट्रियल यूज तक आप पहुंच गए थे, यानी आप यहां तक पहुंच गए थे, अवेलेबल यहां तक आ गए थे, आप यूज तक आ गए थे, तो फिर यार इस फिगर से ये माइनस होके आई थी भाई, जहां ये जो फिगर थी ऊपर में जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट ये वाली फिगर, डायरेक्ट अवेलेबल यहां तक पहुंच गए थे आप। अच्छा इसमें आप ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन मिस होगी ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है। आप जानते हैं कि बिगनिंग और नेट परचेजेस एड होकर डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आता है, तो इस फिगर से ये माइनस कर दीजिए, आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल नेट परचेजेस आ जाएंगे, यानी जो डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आपने निकाली है ये इसमें देखो ये ब्लैक मोटी सी लाइन है, जिसकी वजह से एक डब्बा भी है और ये सीए वाली लाइन भी है, ये लाइन चीज है, तो यानी ये और ये फिगर प्लस होकर यहां आ रही है ना, तो आपने आया इसको इससे माइनस कर देंगे फिगर आ, जब ये फिगर आ गई तो यहां से ऐसे मूव कर जाओ कि यहां से यहां गए तो ये माइनस हो रहा था, इसको प्लस करके ये निकालो, फिर ये प्लस हो रहा था इसको माइनस करके ये निकालो, तो अल्टीमेट फिगर तुम्हारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब मैं जरा साहब आप लोगों से यही कहूंगा कि बेशक आप इससे आगे रिविजन ही मूड है कुछ कराने का, इसकी वजह यह कि आप यहां तक अपने आप को डाइजेस्ट करो, यहां तक की चीजों को समझ लो, बैठ के एक सवाल अभी दिखा दिया ना, एक और सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, या अभी इसी को जरा सा दोबारा सॉल्व करो, इसमें फाइव ईयर में दिया हुआ है मेरे ख्याल में क्वेश्चन है, अगर चाहो तो इसको सॉल्व करो, लेकिन थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में याद रखना, ये बास क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे होंगे, बास क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब शायद 2011 वाला है 16 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, दिखने को जरा बिल्कुल ऐसे ही, कौन सा 2011 या 2016, क्योंकि उसको करने से पहले ये वाली चीज करनी है तो फिर हम इसको करने के काबिल होंगे, मगर चूंकि आज के सीक्वेंस के हिसाब से ये बन रहा था मैंने आज कराया है, जरा देखो 2011 प्राइवेट रेगुलर या 2016 प्राइवेट, कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है, ये 16 प्राइवेट शक्ल करा दो जरा सर, तुम्हारी फैकल्टी मेरे पास है, 2016 प्राइवेट थी 13 प्राइवेट थी, सोलह प्राइवेट एग्जैक्ट यही है, ठीक है। सिर्फ 16 प्राइवेट में अगर आपको एक बात बता दूं, आसान कर दूं कि अगर इस सवाल में देखो तो ये सवाल इधर देखो, हम इस क्वेश्चन में ये जो सवाल शुरू हो रहा है ना, ये कहां पे एंड कहां से शुरू हो रहा है, कॉस्ट ऑफ, लेकिन अगर तुम 10B देखोगे तो 10B जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है या वो खत्म हो रहा है, चाहिए वो शुरू हो रहा है या वो यहां पर रहता है, तो मेरी टेंपी नहीं है, ठीक है। ये हो रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो आपके हाथ में सवाल है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स से भी शुरू हो रहा है, वो कहां से शुरू हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स से ही हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दो। लेकिन मेरा सबसे बताएंगे ये कि बास सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो सोल्ड से ना शुरू हो, कहां से शुरू हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से, ठीक है, तो उसमें सिर्फ यही होगा ना कि फिनिश गुड की चीज नहीं होगी, शुरू कहां से हो जाएगा, यहां से रिवर्स करना आप करना शुरू कर देंगे। तो अभी अगर आप बैठे हैं, अगर बैठ के दुनिया में हूं मौजूद, आप चाहे तो ये 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन अभी कर ले, लेकिन अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि अब वो चीजें अगर मैं आगे जाना शुरू होगा तो चीजें सिरे हाथ से निकल रही है, महसूस होंगे, घर जाके करना चाहते हैं आपके ऊपर है, घर जाए करें, लेकिन 10A मैंने करवा दिया, 10B और 16 प्राइवेट ये सारे क्वेश्चन करके इसमें इसमें शायद और भी बताया, मैंने देखो नीचे जो लिखे क्वेश्चन है ना वो ये सारे इसी से रिलेटेड है।
वेबसाइट पे, ठीक है। ये सारे पोस्टर दिए 2007 रेगुलर का और प्राइवेट का, ये पोस्टर भी देख लेना कौन से हैं। तो ए पार्ट है रेगुलर का, ए पार्ट पोस्टर उसका ए पार्ट है और प्राइवेट का बी पार्ट है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि 100% मैचिंग हो, उसमें होगा क्या, मिसिंग फिगर्स होगी जो पीछे से हम देख रहे हैं, कभी कुछ गायब कभी कुछ गायब। तो मिसिंग फिगर क्या, उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको बनाने आता है स्टेट। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मुझे मिल जाएगा प्रैक्टिस करके, इसकी अच्छी तरह आइए, अपने टाइम निकालिए। कल का दिन छुट्टी का होगा आप लोगों के, जॉब जो कर रहे होते हैं तो कल का दिन पूरा लगाइए और उसको कम्प्लीट करिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मैं बंद कर देता हूँ। आप जो बैठ के करना चाहते हैं करिए, और यहाँ पे क्लास आपके लिए अवेलेबल है, मैं भी करते अवेलेबल हूँ, आप उससे सुनना चाहें, मुझसे बात जाना चाहें। थैंक यू वेरी मच।